हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मकर संक्रांति आ रही है, तो मैं आप लोगों के सामने तिल गुड़ की जो रेसिपी होती है, जिसको तिल कुट बोलते हैं या तिल के लाई बोलते हैं, वो शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, पूरा देखिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जिसके लिए मैं बनाने के लिए मैंने 1 किलो तिल लिया है। तिल को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि तिल में जो कई बार कंकड़ वगैरह निकल होते हैं तो दांतों में आता, तो बहुत ही मन ख़राब हो जाता है। तो मैंने एक कढ़ाई ली, जब कढ़ाई गर्म हो गई तो मैं 1 किलो तिल था तो मैंने इसको 2 बार में इसको रोस्ट किया है। इसको मैं बिना किसी ऑयल के ही इसको करना है, घी वगैरह नहीं डालना, सूखा ही इसको भूनना है। तो जब ये अपना रंग बदल दे, यानी थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए, और ये इसमें चटकने की आवाज़ आने लगे, और ये जब चटकने की आवाज़ आती है तो ये थोड़ा सा फूल भी जाते हैं, तो इसको हमें उतार लेना है। तो इससे ज़्यादा हम इसको अगर रोस्ट करेंगे तो ये इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, ये जला जला सा हो लगेगा। तो इस स्टेज पे हमें इसको बंद कर देना है। तो मैंने तिल को आधे आधे करके 2 बार मैंने भून लिया है, और 1 किलो तिल के लिए मैंने 1 किलो ही गुड़ लिया है, क्योंकि मेरे घर में सब मीठा कुछ ज़्यादा ही खाते हैं, तो मैं मीठा में कुछ कमी नहीं कर सकती थोड़ा सा भी। तो 1 किलो गुड़ में की जो मैंने चिक्की ली है, छोटी आती है ये 100-150 ग्राम की, वो ली है, और इसमें रख के थोड़ा सा इसको मैं पानी डालूंगी, ताकि जो गुड़ है वो नीचे से जले ना। 4 से 5 मिनट में हमारा सारा गुड़ पिघल गया था और ये इस तरह से खोलने लगा। 3 से 4 मिनट और खोलने के बाद ये गुड़ का रंग थोड़ा सा अलग हो गया, डार्क हो चुका है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच सौंफ और 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और घिस के इसमें डाल दिया, ताकि इन दोनों का जो बाद में जब टेस्ट आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। पर गुड़ की चाशनी पका या नहीं पका, तो इसको चेक करने के 3-4 तरीके होते हैं। पहला तो तरीका ये है कि आप एक कटोरी में पानी लीजिए, उसमें 2-4 बूंदे इसके टपकाइए, और जब थोड़ा 2-4 सेकंड रुकने के बाद इसको निकाल के चेक कीजिए। अगर ये आपस में गुठली बन जाती है और सख्त हो जाए तो इसका मतलब चाशनी बन चुकी है। और दूसरा तरीका तो ये होता है कि इसका जब चाशनी बन जाती है तो इसका जो इसका फ्लेवर जो होता है, खुशबू जो होती है, वो चेंज हो जाती है। और तीसरा ये होता है कि ये कढ़ाही छोड़ने लगता है, ये जो चाशनी होती है वो कढ़ाही छोड़ने लगती है। और चौथा तरीका ये होता है कि जब हम इसको चम्मच से हम चाशनी की जो धार बना के हम गिराते हैं तो लास्ट में 2 तार सी बनती है, तो वो तो एक तरीका ये होता है जो कि सबसे बेस्ट होता है। तो इन सब में से कोई भी आप एक तरीका देख सकते हैं। तो ये मेरा हो चुका था, तो इसमें मैंने जो तिल थे सारे वो इसमें मैंने डाल दिए हैं। तो ये जो हमने रखा है वो काफ़ी गर्म है, तो इसको हम अगर हम बिना पानी के हाथ के लगाएंगे तो ये हमारा हाथ जल सकता है। तो इसके प्लेन लड्डू बनाने के लिए पहले हम हाफ पानी से हाथ गीला कर लेंगे। और ये जो प्लेट आपको गंदी दिख रही हो तो ये गंदी नहीं है, जो मैंने अदरक जो कद्दूकस किया था तो मैंने वो अदरक को इसी प्लेट में रखा था। तो इसी तरह पानी के हाथ लगाते हुए ये हमें इसे लड्डू बनाते जाएंगे। आप चाहें तो या तो इसको लंबे शेप में भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, या तो इसको गोल शेप में लड्डू की तरह बना सकते हैं। और इसको ठंडा होने से पहले पहले इसको बनाना होता है, नहीं तो ठंडा अगर हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है बनाने में। इस तरह मैंने सारे तिल के लड्डू बना लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसको अपने इस तरह से बना के अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू।